हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं बिकम टेक्स। एंड गाइस, हियर वी हैव द ऑल न्यू 2024 बजाज पल्सर 125 बेस मॉडल। स्प्लेंडर की कीमत पे आपको पल्सर देखने को मिल जा रही है, काफ़ी बढ़िया भाई परफॉर्मेंस के साथ, काफ़ी बढ़िया लुक, डिजाइन, रोड प्रेजेंस के साथ। इसका फुल डिटेल रिव्यू करने वाले, इसमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, कलर ऑप्शन, प्राइसिंग, वेरिएंट, इंजन में पावर एंड टॉक क्या मिलती है, वॉक अराउंड लेने वाले क्या फीचर्स मिल जाते हैं, या फिर मार्केट में जो 125 सेगमेंट के व्हीकल चल रहे हैं उनके कंपैरिजन में ये व्हीकल आपके लिए कितना बढ़िया रहने वाला है, चाहे अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे, माइलेज की बात करेंगे, या भाई मेंटेनेंस की बात करने वाले हैं। बाकी गाइस, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, ऐसी बाइक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू, अपडेट, कंपैरिजन हमेशा पाने के लिए। एंड अगर आप लोग प्रयागराज नियर बाय से बिलोंग करते हो, बजाज की कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, बिल्कुल यूनाइटेड बजाज पे आ सकते हैं। शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे शेयर हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बिल्कुल जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बिना देरी के इस डिटेल रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह गाइस, हम लोग इसके की से स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आपको पहले बजाज के पल्सर में की मिलता था, वैसे ही की देखने को मिलेगा अपने पल्सर 125 में। एंड अगर प्राइसिंग, कलर ऑप्शन, वेरिएंट की बात करते हैं तो भाई पल्सर 125 में आपको 4 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। एक आता है भाई अपना नॉर्मल बेस मॉडल आपके सामने खड़ा हुआ है, एंड उसके बाद आ जाती है भाई अपनी कार्बन, फिर स्प्लिट सीट वगैरह देखने को मिल जाते हैं। हालांकि इसमें अभी तक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का कोई भी फीचर्स मिला नहीं है, होप करता हूँ मिले भी ना, क्योंकि प्राइस बढ़ जाएगी फिर, क्योंकि इस समय काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी एकदम दबा के बिक रही है भाई अपने पल्सर 125, खास करके ये जो वेरिएंट आपके सामने बेस मॉडल खड़ा हुआ है ना, ये वाला। एंड टोटल 8 कलर ऑप्शन के साथ ऑफर होता है, काफ़ी सारे कलर चॉइसेस हैं, आप किसी पर भी जा सकते हैं। एंड उसके बाद प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको मोटी मोटा 98,000 ऑन रोड कॉस्ट करेगी, मतलब पूरा प्राइस लेके, इंश्योरेंस लेके, आरटीओ लेके 98,000। तो इस प्राइस रेंज में तो अभी आपको 125 सीसी देखें, एक्सपी 125 भी इससे ज़्यादा है, रेडर भी उससे ज़्यादा है, लेकिन काफ़ी बढ़िया बात, मतलब बजाज इसको काफ़ी ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली रखी है, बढ़िया बात है। एंड ये था भाई इसका प्राइसिंग, कलर ऑप्शन, वेरिएंट। अब इसका हम लोग डिटेल रिव्यू स्टार्ट करते हैं पूरी फ्रंट प्रोफाइल से। सो गाइज, कुछ ऐसी ओवरऑल इसकी फ्रंट प्रोफाइल देखने को मिल जा रही है। यहाँ पे आपको रियर व्यू मिरर्स मिल जा रहे हैं, एंड उसके बाद जैसा क्लासिकल लुक अपने पल्सर का आ रहा था वैसा ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की वाइजर, बजाज की लोगो, 2 पायलट लैंप मिल जाती है, हैलोजन एंड रिफ्लेक्टर बेस हैलोजन सिर्फ के साथ हेड लैम्प। एंड गाइज, यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल रिफ्लेक्टर बेस हैलोजन सिर्फ के साथ टर्न सिग्नल मिलेगी। यहाँ पे आपको ग्राफिक पुल मिल जाती है, और ये कलर गाइज काफ़ी बढ़िया लगता है, जो कि बॉडी कलर ब्लैक और कुछ यहाँ पे आपको ग्रे फिनिशिंग में, या फिर आप सिल्वर बोल सकते हो, उसमें ग्राफिक्स मिल जाती है भाई। यहाँ पे आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा पूरा। यहाँ पे नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप नीचे मिलेगी, फाइबर यहाँ पे आपको मिल जाता है, फाइबर का मिल जाता है फेंडर, नॉन फंक्शनल रिफ्लेक्टर मिलेगा, ब्लैक कलर का काफ़ी बढ़िया डिजाइन में अपने को अलॉय व्हील देखने को मिल जाता है, ट्यूबलेस टायर आता है, 80x100 सेक्शन के टायर मिल जा रहे हैं विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील ग्रिप। यहाँ पे आपको टायर का देख ही पा रहे होंगे, फ्रंट में 240mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। एंड रियर में गाइज, यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक ऑफर होगा भाई। बाकी गाइज, अगर आप स्प्लिट सीट लेते हैं या फिर इसके ऊपर वाला मॉडल लेते हैं तो यहाँ पे आपको इंजन काउल भी देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको दिखा देता हूँ तो ऐसे यहाँ पे आपको इंजन काउल देखने को मिलेगा, जो कि व्हीकल को लुक को काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर देती है, और थोड़ा सा भाई मड वगैरह से भी इंजन को बचा देती है, जो कि इधर आपको नहीं मिलेगा। बजाज की ब्रांडिंग, ब्लैक कलर का इंजन। एंड गाइज, यहाँ पे आपको 5-speed ट्रांसमिशन मिल जाता है, 5 गियर यहाँ पे आपको मिलेगा, एंड 11.5 लीटर मतलब 11.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। टैंक में आपको पल्सर की 3D ब्रांडिंग, ग्राफिक्स यहाँ पे देखेंगे, ये पार्ट आपको फाइबर का मिलेगा, ये मेटल का मिलेगा। बाकी साइड पैनल आपको बॉडी कलर ब्लैक ही मिलेगा, फंक्शनल है, फिजिकल ठीक है, इसको आप ओपन कर सकते हो। साइड स्टैंड, डबल स्टैंड मिल जा रहा है, और एक बार प्रोफाइल चेक कर लो आप, लेफ्ट साइड प्रोफाइल, ये भाई इसके ओवरऑल लेफ्ट साइड प्रोफाइल, पूरी बॉडी कलर ब्लैक मिलती है, काफ़ी बढ़िया प्रेजेंस भी एक तरीके से निकल के आ जाता है। गई जी, आपको सिंगल सीट वेरिएंट है, यहाँ आपको सिंगल सीट ही मिलेगा, स्प्लिट सीट भी आता है, जहाँ पे आपको स्प्लिट ग्रेविटी हैंडल स्प्लिट सीट आ जाता है। यहाँ पे नॉर्मल फ्लैट सीट, काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर व्हीकल है। यहाँ पे आपको सिंगल ग्रेविटी हैंडल 125 की यहाँ पे आपको ग्राफिक्स मिल जाती है। रियर में अपने को डुअल रिंग टाइप सस्पेंशन मिल जाता है, यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड मिलेगा, फुट रेस्ट मिल जाता है लेडीज़ के लिए, और नॉर्मल यहाँ पे भी आपको ऐसे रबर की पैडिंग के साथ फुट रेस्ट मिलेगा। एंड गई, यहाँ पे आपको फुल चैन कवर देखने मिलता है, चैन को बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको मेटल का मिल जाता है भाई इसका चैन कवर। बाकी अभी रियर टायर प्रोफाइल की बिल्कुल बात करेंगे हम लोग वीडियो के द्वारा। एंड आप अगर टैंक को देखेंगे तो गाइस काफ़ी बढ़िया, यहाँ पे आपको 11.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल रहा है। यहाँ पे आपको टैंक पैड मिल जा रहा है, पल्सर की 3D ब्रांडिंग, एंड गाइस E20 कंफर्टेबल इंजन है, ब्लैक फील्ड को सपोर्ट करता है, उसी की ब्रांडिंग मिलेगी। ये आप पार्ट फाइबर का मिलेगा। बाकी गाइस, क्लिप ऑन हैंडल बार, अभी मीटर कंट्रोल एंड स्विचेस वगैरह की बिल्कुल वीडियो के दौरान हम बात करेंगे। रियर व्यू मिरर्स वगैरह मिल जा रहे हैं। 125 सीसी सेगमेंट में राइडर 125 एसपी 125 सीसी से कंपेयर करते हैं तो काफ़ी बढ़िया है, पॉकेट फ्रेंडली। एंड भाई पल्सर तो एक ब्रांड है ही, आप लोग जानते ही है, और दबा के ये भी करिए, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे पहली बात कोई व्हीकल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सस्ती भी है, और पल्सर भाई लुक में इसका जो लुक है पहले से चला आ जा रहा है, और अच्छी भी लगती है। जहाँ पे आपको इसकी जो उसकी पूरी अगर देखेंगे तो घर में आपके चाहे कॉलेज प्रोफाइल के लोग हों, चाहे ऑफिशियल हो, कोई भी टाइप के लोग चला सकते हैं, फैमिलियर भी है, पीछे वीमेंस बैठाना है, मम्मी लोग को बैठाना है, इसलिए आप इस पर बैठा के चल सकते हैं। उसके बाद माइलेज भी ये बढ़िया दे देती है। सबसे बढ़िया बात भाई, 90 under 1 lakh की आपको 125 सीसी की बाइक मिली, वो भी बजाज पल्सर, काफ़ी बढ़िया बजाज काम की। हालांकि ये बजाज इसको 1,10,000 तक भी रखती तभी चाप की बिकती, हालांकि इसके ऊपर वाली मॉडल आती है, लेकिन बेस मॉडल यहाँ पे आपको 1,00,000 के अंदर मिली तो बढ़िया बात है। बाकी पैनल मैंने आपको ये सब दिखाई दिया। अब रियर प्रोफाइल पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको सिंगल ग्रेविटी हैंडल, LED ब्रेक लाइट मिलती है, टर्न सिग्नल, हैलोजन, नंबर प्लेट होल्डिंग सेटअप, नॉन फंक्शनल रिफ्लेक्टर, और वही पहली वाली लुक आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है भाई, और मात्र 98,000 रुपीज़ में।
गैस बार 198 इसलिए बोल रहा हूँ भाई, इस प्राइस में रेडर को आप देख रहे हैं, एसपी 125 को देख रहे हैं, या फिर और भी जो 125 सीसी की बाइक्स हैं उससे देख रहे हैं तो काफ़ी सस्ती है भाई, और लुक में भी काफ़ी किसी से कम नहीं होती अगर आप रोड पे इसको दौड़ाइए। और लुक छोड़िए, पावर एंड टॉक, इनिशियल पिकअप वगैरह से भी कम नहीं किसी से। सेम राइट साइड में कुछ ऐसी प्रोफाइल मिलती है। सबसे बढ़िया बात यहाँ पे आपको किक भी देखने को मिल रहा है, पल्सर की इधर भी 3D ब्रांडिंग, 125 की ग्राफिक्स वगैरह मिल रही है। यहाँ पे आप देखेंगे भाई अपने को मिल जा रहा है काफ़ी बढ़िया मैट ब्लैक फिनिश में एग्जॉस्ट टायर हगर मिल रहा है। रियर में ड्रम ब्रेक आता है 130mm का, 100x90 सेक्शन के रियर में टायर मिलेंगे विद 17 inches ऑफ अलॉय व्हील, एंड ग्रिप आप देख पा रहे हो कुछ ऐसा टायर की ग्रिप देखने को मिल जा रही है। रियर में अपने को भाई सस्पेंशन देखने को मिल रहा है अपना नाइट्रोक्स का, और रियर पैसेंजर के लिए फुटरेस्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है, किक वगैरह, ब्रेक लीवर डुअल स्टैंड आ ही रहा है, एंड गाइस डिस्क ब्रेक यहाँ पे 240mm का मिल रहा है, काफ़ी बढ़िया ओवरऑल प्रोफाइल मिल जा रहा है। यहाँ पे प्रॉपर आप देखेंगे तो इधर आपको कवरिंग वगैरह देखने को मिल जाएगी। एंड अब बात कर लेते हैं इसके भाई MID एंड स्विचेस वगैरह की। यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर फिनिश मिल जा रहा है, यहाँ पे आपको मिलेगा भाई टैकोमीटर, इधर अपने RPM लिमिट, स्पीडोमीटर, साइड स्टैंड, लो बैटरी इंडिकेशन, और उसी के बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो अपने को एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, यहाँ पे आप देखेंगे तो भाई अपने को डेट भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे डिजिटल फ्यूल गेज, रीसेट का बटन, इंजन चेक लाइट, यहाँ पे आपको टर्न सिग्नल, हाई बीम, लो बीम प्रॉपर देखने को मिलेगा, न्यूट्रल की बाइंडिंग मिल जाती है, एंड यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको हेलोजन ही लाइट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। क्लिप ऑन हैंडल्स बार्स आ जा रहे हैं यहाँ पे आपको, स्विचेस को देखते हैं तो राइट साइड में इंजन कट ऑफ का स्विच, सेल्फ स्टार्ट का स्विच, लेफ्ट साइड में पीछे पास हाई बीम, टर्न सिग्नल, हॉर्न का स्विच, रियर व्यू मिरर्स आ जा रहा है। 125 सीसी सेगमेंट में 98,000 में काफ़ी बढ़िया पावर एंड टॉक, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस, काफ़ी बढ़िया लुक के साथ अपनी पल्सर 125 नियॉन मॉडल आपको देखने को मिल रही है। एंड गाइस अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। तो गाइस टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में हम लोग सबसे पहले इसके इंजन की बात करने वाले हैं। यहाँ पे आपको 124.4 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड FIBS6 फेज 2 इंजन देखने को मिलेगा, जहाँ पे मैक्स पावर अपने को 11.64 BHP मिल जा रही है 8500 RPM पे, एंड 10.8 NMP टॉर्क मिली 6500 RPM पे, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। एंड गाइस यहाँ पे आपको अप्रॉक्स जो माइलेज मिलती है 50 किलोमीटर पर लीटर तक की मिल जाती है, 100 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड देखने को मिलेगी। यहाँ पे 11.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया पावर एंड टॉक, एंड ओवरऑल भाई इंजन परफॉर्मेंस के साथ अपनी पल्सर 125 आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको सिंगल हॉर्न देखने को मिलेगा बजाज की, वहाँ पर ब्रांडिंग काफ़ी बढ़िया, वैसे बजाज की जितनी भी प्रोडक्ट है सब में आपको इंजन से तो बिल्कुल कंप्लेन नहीं होने वाला, बिकॉज इनिशियल पिकअप जो उनकी होती है जैसा RS 200 आप जानते हैं ये बीस्ट, तो बजाज की सभी इंजन काफ़ी बढ़िया होती है। हालांकि मैक्सिमम में सभी DTSI हटाया जा रहा है, आई डोंट नो क्यों हटाया जा रहा है लेकिन मुझे नहीं मालूम, आप लोग कमेंट से जरूर बता सकते हैं। डायमेंशन की बात करेंगे तो ओवरऑल लेंथ यहाँ पे आपको मिल जा रही है 2055mm की, विथ मिल रही है आपको भाई 755mm की, ओवरऑल हाइट मिल जा रही है 1060mm की, एंड अगर व्हीलबेस की बात करते हैं तो 1320mm की यहाँ पे आपको व्हीलबेस मिल जा रही है। सीट हाइट को देखते हैं तो भाई यहाँ पे आपको 790mm की सीट हाइट मिलती है, तो शॉर्ट राइडर में वो भी इसको इजीली राइड कर लेंगे, कोई भी उनको दिक्कत नहीं होने वाली है जिनकी हाइट वगैरह कम है, व्हीकल अच्छी तरीके से उनके साथ फैमिली रहने वाली है। 140 kg तक की यहाँ पे आपको मिल जाती है भाई इसकी कर्वेट, वेट में बिल्कुल हैवी नहीं है, जिसके वजह से परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती है, और कम हेल्थ के लोगों वो भी इजीली राइड कर लेंगे, माइलेज में भी काफ़ी बढ़िया हो जाती है। एंड उसके बाद ग्राउंड क्लियरेंस को अगर देखते हैं तो यहाँ पे गाइस अपने को 165mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जिससे कि थोड़ा सा अगर आप पहाड़ी इलाके में ले जाते हैं या फिर जहाँ पे गड्ढे वगैरह हैं तो व्हीकल अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगी भाई, एंड काफ़ी बढ़िया ओवरऑल डायमेंशन वगैरह ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह इसमें देखने को मिल जा रहा है। ट्यूबलेस टायर ऑफर हो रहे हैं, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जा रहा है, काम के पूरे फीचर्स मिल जा रहे हैं, लुक वगैरह में सही है, माइलेज भी आपको काफ़ी बढ़िया नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा खर्चा वगैरह होगा। एंड यहाँ पे गाइस अपने को मिल रही है फ्लैट सीट, सिंगल ग्रैविटी हैंडल, अगर आपको कार्बन एडिशन लेते हैं, अगर आप लाइक देखेंगे ये अपनी कार्बन एडिशन है तो यहाँ पे भी आपको फ्लैट सीट मिलेगी, सिंगल ग्रैविटी हैंडल, बट यहाँ पे इंजन काउल आ जाता है, कार्बन फाइबर फिनिश, स्प्रिंकल फिनिश मिल जाते हैं, कुछ फीचर्स इसमें एक्स्ट्रा मिलते हैं। टॉप मॉडल आएंगे तो वहाँ पे स्प्लिट सीट आ जाते हैं भाई। बाकी गाइज ये था फुल डिटेल रिव्यू अपने बजाज पल्सर 125 बेस मॉडल, 98,000 ऑन रोड प्राइस है। प्राइसिंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं इसको सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही बाइक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपैरिजन में शो पाने के लिए मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर, बाय बाय।